के दीगरा शहर के बाराभाई मोहल्ले के एक बुजुर्ग पर हमला कर एक आवारा कुत्ते ने उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया। इलाज के लिए जब जख्मी बुजुर्ग को सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया तब वहां उपचार के लिए जरूरी इंजेक्शन दवा भी मैसर नहीं हुई। इस घटना के बाद पेश है दीगरा संवाददाता जुबेर खान की है रिपोर्ट। कल तक गाय बैल इन मवेशियों के झुंड से परेशान दिग्रस वासियों की मुश्किलें अब आवारा कुत्तों ने बढ़ा दी है। दिग्रस शहर के बाराभाई मोहल्ले के निवासी 66 वर्षीय मुस्तफा खान महबूब खान पर एक आवारा कुत्ते ने छलांग लगाई और उनके चेहरे को बुरी तरह काट लिया। इस घटना में बुजुर्ग के चेहरे पर गहरे घाव के निशान बन गए हैं। रविवार की शाम 6 बजे अपने घर के पास बैठे मुस्तफा खान पर अचानक एक पागल कुत्ते ने हमला बोल दिया, जिसके बाद उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाया गया। लेकिन यहां एक और आफत मुस्तफा खान का इंतजार कर रही थी, वह यह कि यहां की सरकारी अस्पताल में कुत्ते के काटने पर लगाए जाने वाला न तो इंजेक्शन था और न ही कोई अन्य उपचार उन्हें मयस्सर हुआ। यहां तक कि सरकारी अस्पताल प्रशासन ने उन्हें इलाज के लिए यवतमाल रवाना करने के लिए एम्बुलेंस या अन्य कोई विकल्प की व्यवस्था कराई, जिसके बाद जख्मी हालत में मुस्तफा खान को एक निजी वाहन से यवतमाल इलाज के लिए जाना पड़ा। इस घटना से न सिर्फ स्थानीय सरकारी अस्पताल की लापरवाही की पोल उजागर हुई, बल्कि मवेशियों के साथ ही आवारा कुत्तों से निपटने का जिम्मा जिस नगर पालिका प्रशासन पर है उसकी अनदेखी, गैर जिम्मेदारी और बेपरवाह कार्य प्रणाली की पराकाष्ठा भी एक बार फिर खुलकर सामने आ चुकी है। एक तरफ 7 से 8 सालों से बंद पड़े कांजी हाउस यानी गधे घाट के रखरखाव के नाम पर बिल निकालकर निगल चुके संबंधित अधिकारी कर्मचारियों और कागजी ठेकेदारों पर अफरा तफरी और धांधली पर पालिका के मुख्य प्रशासक और जिलाधिकारी कार्यालय चुप्पी साधे हुए है, वहीं अब आवारा कुत्तों के बंदोबस्त को लेकर भी कोई प्रशासकीय पहल होती नहीं दिख रही। ऐसा लगता है जैसे लापरवाही और भ्रष्टता के वायरस से स्थानीय प्रशासन न सिर्फ संक्रमित हो गया है बल्कि उसकी दशा अब बेलगाम, बेकाबू और आवारा जानवरों सी हो गई है, जो हर किसी को अपनी निष्क्रियता से काटने को दौड़ रहा है। ऐसे में शहर के आवारा मवेशियों और कुत्तों को काबू में करने से पहले जिम्मेदार अधिकारियों को चाहिए कि वे सबसे पहले सरकारी अस्पताल प्रशासन और पालिका की प्रशासकीय व्यवस्था को सतर्कता का इंजेक्शन लगाए, ताकि भ्रष्टता और काम चोरी के वायरस पर काबू पाया जा सके। BCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।